नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। एक तस्वीर आप देख रहे हैं और कुछ टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है। गिरिराज सिंह कई बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से गिरिराज सिंह चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देवबंध पर बड़ा हमला किया, बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने देवबंध को आतंकी गंगोत्री करार दिया, यानी गंगोत्री से देवबंध और आतंक की तुलना गिरिराज सिंह ने कर डाली। यहां तक कहा कि हाफिज से लेकर देश दुनिया में मौजूद आतंकवादियों के तार देवबंध से जुड़े हुए हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने कोई विवादित बयान दिया हो। वो हमेशा ही अपने विवादित बयानों के चलते ही सुर्खियां बटोरते हैं, खबरों में बने रहते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन देवबंध में आतंकियों की तुलना गंगोत्री से कर डाली। अब आतंकियों की तुलना गंगोत्री से करना कितना जायज है, किस हिसाब से गिरिराज सिंह ने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, देवबंध को लेकर उनके बयान कई बार सामने आए, लेकिन इस बार गिरिराज सिंह ने गंगोत्री से तुलना की है। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंध ये आतंकवाद की गंगोत्री, सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। तो देवबंध से जुड़े देश दुनिया में मौजूद आतंकियों के तार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, एक बार फिर देवबंध पर किया बड़ा हमला, लेकिन आतंकी और देवबंध की तुलना गंगोत्री से कर डाली, देवबंध को आतंकी गंगोत्री बताया। देवबंध से जुड़े देश दुनिया में मौजूद आतंकियों के तार कनेक्शन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। एक बार फिर गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिस बयान से वो सवालों के घेरे में है। देवबंध से जुड़े देश दुनिया में मौजूद आतंकियों के तार, देवबंध दारुल उलूम को लेकर कई दफा गिरिराज सिंह ही नहीं, कई बीजेपी के और नेता भी बयान देते आए हैं। गिरिराज हैं कि मानते नहीं, चाहे हाफिज सईद हो या फिर और कोई आतंकवादी, दुनिया के सारे बड़े आतंकवादी यहीं से निकले। गिरिराज सिंह के बयान पर गरमाई सियासत, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चला है। देवबंध को बताया आतंकवाद की गंगोत्री, गंगोत्री से तुलना कितनी जायज है, सारे बड़े आतंकवादी देवबंध से निकले गिरिराज सिंह, चाहे हाफिज सईद हो या फिर और कोई आतंकवादी। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में पनाह पाए हैं और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को उनकी गरे वहां पकड़कर, क्योंकि भारत के गुनहगार हैं, भारत लाने के लिए ये बात कही गई थी, लेकिन उन तक पहुंच नहीं, लेकिन तुलना की जा रही है। देवबंध पर बयान दिया जा रहा है और गंगोत्री से तुलना की जा रही है। सारे बड़े आतंकवादी देवबंध से निकले, अब ये गिरिराज सिंह का दावा है। कई बार देवबंध को आतंकियों की फैक्ट्री कहा गया, दारुल उलूम को निशाने पर लिया गया। अगर यहां आतंकी पलते हैं, यहां आतंकी पनाह पाते हैं, यहां से आतंकी बनते हैं, तो इस देश की हुकूमतें क्या करती रहीं? सब पता होते हुए भी क्यों लगाम नहीं लगा? लेकिन बयान देना है। गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया, सियासत एक बार फिर से गरमाई, कुछ दिन सवाल जवाब चलेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, असल मुद्दों से भटकाकर एक विवादित बयान पर समय जाया किया जाएगा। देवबंध को बताया आतंकवाद की गंगोत्री, सारे बड़े आतंकवादी देवबंध से निकले गिरिराज सिंह ये मानते हैं। उन्होंने हाफिज सईद का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा या फिर और कोई आतंकवादी हो, दुनिया के सारे बड़े आतंकवादी यहीं से निकले।
देवन को बताया आतंकवाद की गंगोत्री। सारे बड़े आतंकवादी देवन से निकले, गिरिराज सिंह। आदित्य द्विवेदी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी, इसी खबर पर उनके पास जाते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आदित्य, जिस तरीके से आप और हम और उत्तर प्रदेश, ये देश देखता रहा है गिरिराज सिंह के बयानों को, सुनता रहा है, समझता रहा है, लेकिन देवबंद पर दिया बयान, आतंकियों का अड्डा आप बार बार कहते रहे हैं, लेकिन इस बार तुलना गंगोत्री से कर डाली। देखिए पंकज, एक ताज्जुब की बात तो ये है कि गिरिराज सिंह ने काफी दिनों बाद इस बार विवादित बयान दिया हुआ है। विवादों से बने रहना उनकी आदत में है, बयानों के जरिए वो सुर्खियों में बने रहते हैं, ये उनकी फितरत में शामिल हो चुका है। इस बार उन्होंने देवबंद को निशाना बनाया हुआ, ये बात अलग है। उन्होंने देवबंद को गंगोत्री कह डाला, वो तुलना भी सही नहीं कर पाए। इसके बारे में उनको अगर समीक्षा करके कुछ बोलना होता तो शायद कुछ अच्छा अटैक कर पाते देवबंद के ऊपर, लेकिन जो गंगोत्री शब्द उन्होंने निकाला ये निहायत ही गलत है। इसका जो रिएक्शन हो रहा है, इसकी जो प्रतिक्रिया आ रही है पूरे प्रदेश में, उसमें देवराज कटघरे में उनके साथ भी हैं जो उनके अपने लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि गंगोत्री का क्या वास्ता आतंकवाद से, देवबंद से। गंगोत्री तो एक शुद्ध जगह है, आस्था की जगह है, इसको तो अपने सेंटेंस में उनको नहीं लेकर के आना चाहिए था। जी पंकज, आदित्य किस तरीके से इस बयान को देखा जाए, ये बयान क्या सियासी चर्चाओं में, सुर्खियों में बने रहने के लिए है, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है देवबंद निशाने पर रहा हो बीजेपी नेताओं के, दारुल उलूम निशाने पर रहा हो, अब गिरिराज सिंह जैसे कह रहे हैं कि आतंक का अड्डा है, यहीं से हाफिज सईद जैसे आतंकी निकले और भी कई आतंकी यहां से निकले, तो इस देश की हुकूमतें क्या करती रही? आप लोगों को पता होते हुए यहां से आतंकी निकलते गए, आतंकी बनते गए, आतंकी पनाह पाते गए। देखिए अभी दो दिन भी नहीं बीते हुए हैं, भाजपा के एक राज्य मंत्री ने बयान दिया हुआ था, विवादित बयान था उनका, बुरके को लेकर के बोला हुआ था, अभी दो दिन शांत भी नहीं हुए। हालांकि उस पर जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वतंत्र देव ने तुरंत ही एक्शन लिया हुआ और उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है। गिरिराज पिछले समय से विवादित चले आ रहे हैं, 6 सालों से अगर देखा जाए, 6 साल से पहले भी उनके अगर राजनीति पर निगाह डाले तो वो विवादों में ही रहते हैं, शायद वो विवादों में रहना भी चाहते हैं, उसकी वजह ये भी हो सकती है। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर आपकी पिछले 5-5.5 साल से अधिक सरकार को रहते हुए हो गए, देवबंद में यदि आतंकियों की पाठशाला है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए था। आपके पास आईबी है, सीबीआई है, राह है, सारी खुफिया एजेंसियां हैं, सारी पावर आपके पास है, सत्ता आपके पास है, और उसके बाद इस तरह की बात बोलना, ये तो विपक्ष में रहते हुए जब आप बोलते थे तो आपकी बातों में, इनकी बातों में वाहवाही होती थी, तालियां बजती थी और इनको लोकप्रियता मिलती थी। लेकिन गिरिराज को ये सोचना चाहिए कि इस समय वो सत्ता में है, सत्ता की अपनी मर्यादाएं होती हैं, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उसकी भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, शायद वो अपनी मर्यादाओं को बार बार तार-तार करते हैं खुद ही, वो किसी और को मौका नहीं देते हैं, वो खुद ही ऐसे बयान देते हैं जिस पर लोग हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। और एक ताज्जुब की बात अभी भी हुई है, वसीम रिजवी जो कि चेयरमैन है सीआबफ बोर्ड उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी गिरिराज के सुर मिलाए हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि देवबंद से आतंकियों की पाठशाला है, वहाँ से आतंकी निकलते हैं, उन्होंने भी गिरिराज की बात को वजन दिया, उस पर हाँ में हाँ मिलाई, ये और भी ज्यादा बेहद शर्मनाक है। जी पंकज, इस बयान को बीजेपी हो या विपक्ष, आप लखनऊ में मौजूद हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, और गंगा को लेकर और गंगोत्री से किस तरीके से प्रेम है, लगाव है, और गंगा की सफाई को लेकर हो या संरक्षण को लेकर हो किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये वो दिखाने की बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह के इस बयान से कोई प्रतिक्रिया ऐसी आती हुई आपको दिख रही है, चाहे विपक्ष की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो? देखिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने पूरी भाजपा को घेरा, गिरिराज के बहाने उन्होंने पूरी भाजपा को घेरा, और कांग्रेस का कहना है कि विवादों में रहना और इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना ये भाजपा की फितरत है, और वो किसी ना किसी अपने मोहरे के बहाने, यानी कि उन्होंने गिरिराज को एक मोहरा बनाया और पूरी भाजपा पर अटैक किया। उनका कहना है कि गिरिराज तो एक मोहरा मात्र है, दरअसल भाजपा की जो मंशा है वो धार्मिक उन्माद फैलाने की है, उसी के क्रम में ये गिरिराज का आज एक बयान आया हुआ है। भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा के लोग खुल के सामने बोलने को तो तैयार नहीं है, लेकिन दबे स्वर में पर्दे के पीछे से ये जरूर कह रहे हैं कि जो उन्होंने गंगोत्री की तुलना की हुई है देवबंद के आतंक से, तो इस तरह की तुलनाएं उनको शोभा नहीं देती हैं, ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कुल मिलाकर के वो बाहरियों से तो घिरे ही हैं, इस बार वो घर में भी घिरते नजर आ रहे हैं। जी
आदित्य, क्या ये माना जाए और ये समझा जाए, इस तरह के बयानात जो आते हैं जिससे विवाद पैदा होता है, इससे आपको सुर्खियां तो मिल जाती होंगी, लेकिन आपके काम को लेकर एक बार फिर से आपकी पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, विपक्ष ऐसे मौके तलाशता है, एक तरफ गंगा संरक्षण, गंगा सफाई, नमामि गंगे को लेकर बात हो रही है और दूसरी तरफ आप ही के नेता गंगोत्री की तुलना आतंकवाद और देवबंद से कर देते हैं, दिक्कत तो होगी ना? देखिए पंकज, जिस जगह गंगोत्री यानी कि गंगा का जहां से उदय होता है, एक मिनट के लिए रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। अशोक सिंह साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है हमारे साथ। अशोक सिंह जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है, उस बयान पर चर्चा हो रही है, हालांकि उनकी आदत है सुर्खियों में रहने की, लेकिन इस बार उन्होंने देवबंद पर हमला तो बोला, आतंकियों का अड्डा तो बताया, लेकिन तुलना कर दी गंगोत्री की, कहा देवबंद तो आतंकियों की गंगोत्री है। देखिए, जो मंत्री महोदय हैं वो हमेशा विवादित बयान देते हैं और संविधान की शपथ भी है, वो भारत सरकार में मंत्री हैं। अगर सरकार को लगता है कि वो देवबंद आतंकी है तो सरकार कार्यवाही करे। क्यों सर किस तरह के बयान देकर समाज को तोड़ने वाली हरकतें मंत्री महोदय कर रहे हैं? तो मंत्री जी को अगर ये जानकारी है तो देश में उनके देश में सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, क्यों यही कार्यवाही कर रहे हैं जी? लेकिन अशोक सिंह साहब, इस समय ये इस तरह के बयान देकर गिरिराज सिंह क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चले जाओ कहने वाले भी गिरिराज सिंह ही हैं। ये सत्ता का अहंकार है, लगातार जनहित मुद्दों पर क्यों नहीं सरकार बात करती है? अभी दिल्ली के चुनाव में ठीक है, कांग्रेस हमारी है, हम स्वीकार करते हैं, मगर जिस तरह की भाषा देखने को मिली, गोली मारो, आतंकवादी है, पाकिस्तान चले जाओ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर विकास की बात करो तो कहते पाकिस्तान चले जाओ, आप हिंदू विरोधी हो। तो जिस तरह की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अगर आतंकी गंगोत्री है तो प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को बताना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, आप इस चीज को मानते हैं कि आपने भी गंगोत्री को लेकर जिस तरह से तुलना की गई उस पर कोई कड़ा एतराज नहीं जताया है कि गंगोत्री कहना ठीक है? देखिए, मंत्री महोदय का जो वक्तव्य है सवाल इस बात का है कि अगर वो संवैधानिक शपथ दी है, भारत सरकार में वो मंत्री है, अगर उन्हें मालूम है क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं भाई? और इस तरह के बयान देने से क्या क्या होगा? आप जो जिस सवाल इस बात का होता है क्यों नहीं भी महंगाई पर चर्चा हो रही है, आज एलपीजी के गैस के दाम बढ़ाए हैं, आज क्यों नहीं आप बेरोजगार जनता पार्टी को बताने के बाद कुछ नहीं है? ये सिर्फ दिशाहीन बयान है इनके। और हम मौलाना आमिर रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मौलाना साहब, स्वागत है आपका टीवी 9 में। एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश, क्योंकि गिरिराज सिंह ने देवबंद की तुलना एक बार फिर से उस पर हमला किया तो ये कहा आतंकियों का अड्डा है, गंगोत्री है आतंकियों की देवबंद, दारुल उलूम को लेकर, देवबंद को लेकर बयानात आते रहे, लेकिन इस बार तो गंगोत्री से तुलना कर दी गई। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जी। आदमी जब कामयाबी के जीनों पे चढ़ने लगता है तो आदमी का कभी कभी दिमागी संतुलन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को नोटिस लेना चाहिए। दारुल उलूम वो मदरसा या वो तहरीक है जिसने इस मुल्क में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। हमारे यहाँ तो फतवे का तमाशा होता है, बाकायदा उनसे लड़ने का हुक्म जारी किया गया था कि, और आज हम आजादी में कि जो चैन और सुख की जिंदगी गुजार रहे हैं जमहूरी मुल्क में, उसमें दारुल उलूम का बहुत बड़ा और उन उलमा का हाथ था, और वहां से आज जो आलिम दीन पैदा होते हैं वो आपसी भाईचारा, मोहब्बत, अलखल को याल्लाह हम कहने के लिए तो लोग हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम जी, लेकिन अलखल्क व आलुल्लाह का जो असल है कि पूरी दुनिया की मखलूक अल्लाह का एक कुंबा है, उसका परिवार है जी। दारुल उलूम उसको लेकर चलने वाले लोगों को पैदा करता है। आमिर रशीद साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए जनाब। मैं कर लूं पूरी बात कर लूं जी। अगर ऐसे संस्था के खिलाफ इस तरह की बातें की जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि कोई आदमी जो बाशऊर हो, अक्ल जिसकी काम करती हो, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। रही बात दूसरी, इससे पहले भी अडवाणी साहब जब वजीर दाखिला थे उस जमाने में भी मदरसे से आतंकी पैदा होते, बाकायदा पार्लियामेंट में
होम मिनिस्टर के उससे उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इस हुकूमत में भी दो मर्तबा सवालात किए गए, दोनों मर्तबा प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, सबने ये बात कही। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को पाल रहे हैं जिससे मुल्क का नहीं। आमिर रशीदी जी, दारुल उलूम अपनी दीनी के लिए जाना जाए, रशादी साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्यों आखिर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये पहली मर्तबा तो नहीं है, कई बार कहा जाता है आतंकी खेती यहाँ से होती है, आतंकी पनाह यहाँ पाते हैं, आतंकी यहाँ से पैदा होते हैं, और ऐसे बयानों पर आप लोग एतराज तो जताते हैं लेकिन कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं करते कि देखिए आपके पास कोई सबूत है, आप किस तरीके से इस तरह के आरोप लगाते हैं। दारुल उलूम जहां पर जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पर दीनी शिक्षा जो दी जाती है, उस पर आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, यहां से आतंकी बनते हैं। देखिए असल में इस मुल्क में जमहूरियत आने के बाद से मुस्लिम समाज को जिस तरह से पॉलिटिकल उनका इस्तेमाल उनका शोषण किया गया है, यह उसी का नतीजा है। ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने ये बार बार कहलवा के मुसलमान का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता जी। ये बार बार आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, ये बाकायदा एक साजिश के तहत कुछ मुसलमानों को जो दरबारी और सरकारी, चाहे वो आलिम दीन में से हो, जो हमारा बहसियत मुसलमान, हमारा रिश्ता तमाम दुनिया के लोगों से दाई और मधु का, इनवाइटी और इनवाइटर, तो इनवाइटी और इनवाइटर की किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। हम अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजे गए हैं। ऐसी सूरत में ये जो पॉलिटिकल बीजेपी को ये एहसास 73 साल में हुआ कि मुस्लिम समाज हमें वोट नहीं देगा, इसलिए इस तरह की बातें की जाए। मौलाना जी, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। वसीम रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के। रिजवी साहब स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी में। सीधा सा सवाल ये है कि गिरिराज सिंह ने देवबंद पर आरोप लगाते हुए गंगोत्री आतंकवाद की करार दिया है, और मौलाना साहब यहाँ पर है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता जिसकी जिनकी खराब होती है, वो लोग इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, हम उनके बयान से इसलिए सहमत हैं क्योंकि आज से नहीं, मैं बहुत पहले से मदरसों पर सवाल उठा रहा हूँ जी। देवबंदी विचारधारा जो है वो पढ़े लिखे मुसलमानों को टारगेट कर रही है, और सीधा सीधा मैंने अभी इस पे एक अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि अब अब्दुल कलाम जैसे लोगों का हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल काम है, लेकिन अब कसाब जैसे लोगों की बनाने की तैयारी जो है वो देवबंद के जैसे मदरसे। वसीम रिजवी साहब पहले मुझे अपनी बात होने दीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद अपने आप व्यू रखिएगा। देखिए, शिया वक्फ बोर्ड और उसकी फिक्र आप छोड़िए, देश की बात कीजिए। देश को जो तोड़ने की कोशिश आप लोग मौलवी साहब कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपकी विचारधारा जो है मुसलमानों में जहर पैदा कर रही है, आपकी विचारधारा मुसलमान और हिंदू का बंटवारा कर रही है, आपकी विचारधारा देश को बांटने की बात कर रही है, आपकी विचारधारा देश के अंदर एक पाकिस्तान बनाने की बात कर रही है। तिरंगा लेकर आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों का मकसद तिरंगा लेकर देश को तोड़ना है। आप भारत माता की जय कह रहे, मैं इतराज समझते हैं तिरंगा हाथ में लेकर चलते हैं, भारत माता की जय कह के बताया, ये दुनिया देख रही है, लाइव चैनल पे आपको देखा जा रहा है। आप कहिए भारत माता की जय, भारत अम्मी की जय, अम्मी क्या होता है, मकसद होता है, कहने में इतराज क्या है। अगर माता की जय कहिए, अगर आप अपनी करके किस तरह से आप देश को बांट रहे हैं,
जिस तरह से सीए को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कर गुमराह किया है मुसलमानों को, मुसलमानों के दिलों में हुकूमत की तरफ से नफरत पैदा करने की कोशिश की है। आप ये बताइए कि सीए को लेकर तिरंगा लेकर आपको आजादी चाहिए, आपको किस तरह की आजादी चाहिए मौलाना साहब, आप किस तरह की आजादी चाहते हैं? आप सीरिया जैसी मौलाना साहब एक मिनट रुकिएगा, वसीम रिजवी साहब, क्या गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है आप उसके साथ हैं? आप मानते हैं कि देवबंद और आतंकियों की तुलना गंगोत्री से की जानी चाहिए? हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवान मुसलमानों में जहर घोल रही है, ये चाहते ये है कि यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाए। हिंदुस्तान का देवबंद ये चाहता है कि यहाँ पर इस्लामिक झंडा फहराए, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो शरीयत के कानून को माने, संविधान को मानने का ये ढोंग कर रहे हैं, संविधान को बचाने का ये ढोंग कर रहे हैं, संविधान का ये कहीं पर कहीं आदर नहीं करते। मौलाना आमिर एक मिनट रुकेंगे आप प्लीज, मौलाना आमिर साहब बचने के लिए सब कर रहे हो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रही मौलाना चाहते हो इस मुल्क का हिंदू मुसलमान? चलिए मौलाना साहब, मैं जिस बात का जवाब खोजने की कोशिश कर रहा हूं उसका जवाब मिले तो बेहतर है। वसीम रिजवी जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आतंकियों का अड्डा कह लीजिए देवबंद को, आप उसका समर्थन करते हैं, आतंकी यहाँ पनाह पाते हैं, यहाँ से बनते हैं, आप उसका समर्थन करते नजर आते हैं, लेकिन जब गंगोत्री से तुलना होती है तब क्या आप भी इसका समर्थन करते हैं कि गंगोत्री की तुलना ठीक है? लखनऊ को आतंकित किया हुआ ये आतंकी खुद, अरे इनको चुप कराइए तो समझ में आएगा। चलिए वक्त खत्म हो गया वसीम रिजवी साहब और मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गिरिराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है अपने विवादित बयान को लेकर, और इस बार तो बयान उन्होंने दिया तो थोड़ा सा हद भी पार की है। गंगोत्री की तुलना देवबंद आतंकियों से कर डाली, क्योंकि उन्होंने कहा देवबंद आतंकियों की गंगोत्री है। अब इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चला है, कहां जाकर थमेगी मालूम नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।